अज नगर कौंसल समराला की महीनावार मीटिंग विच उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जदों हलका समराला के विधायक जगतार सिंह दयालपुरा ते नगर कौंसल दे समराला दे प्रधान करणवीर सिंह ढिल्लों आमने सामने हो गए। इस विच स्थिति उस समय होर भी बिगड़ गई जदों शहर निवासी पानी की समस्या नूं लैके चल रही मीटिंग विच जा पहुंचे। शहर वासियों वालों बरसाती पानी के मुद्दे नूं लैके नगर कौंसल प्रधान करणवीर सिंह ढिल्लों अते आप दे विधायक जगतार सिंह दयालपुरा नूं घेर लिया। इस दौरान विधायक दयालपुरा अते प्रधान करणवीर सिंह ढिल्लों ने अपना पल्ला झाड़दे हुए एक दूजे उपर दोष लगाए। पिछले 30 सालों तो पानी की समस्या नूं लैके संताप भोग रहे शहर वासियों वालों नगर कौंसल प्रधान अते विधायक तो मंग की कि बरसाती पानी की निकासी की जाए। इस दौरान नगर कौंसल के प्रधान ने शहर वासियों नूं भरोसा दिवाया कि वह दिसंबर तक टोभे की सफाई का काम मुकम्मल करवा देंगे। दुकानदारों नूं भरोसा दिवाया कि वह सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों नाल जल्द ही मीटिंग करेंगे ता जो शहर निवासियों नूं इस गंदे पानी तो निजात मिल सके। जिम्मे थोड़ा सारा पता ही है जो शहर का सब तो बड़ा मसला है वह है सीवरेज का। तो हम बरसात जिम्मे मौसम तो शहर पानी खड़ जाता तो वही गल तो यही थी। तो शहर वासियों तो मैं तो आप कह के आई भरावो कल आओ सू पुछो भी की गल है कि कितने कहानी खड़ी है तुम सू चुने तो असं जवाब दें थोड़े वास्ते भी कितने प्रॉब्लम तो यही बुला दी भी सब जी गल सही स्पष्ट शहर वासी ने मूहरे आए वो संबंध में गल यह मैं तो क्या प्रधान जी उन्होंने भी कहा भी सियासत छड़ के सब तो जी वी समस्या शहर की पानी वो तो हल करिए वही गल जी बस जे टुब की सफाई जिम्मे मैं थोड़ा बार बार कह पहला भी दसदा आया जे टुब की सफाई भी होती तो आह प्रॉब्लम ना आती हूँ तक चलो ठीक रहा। वैसे पानी दो तीन मीह बरसात निकलिया तो लास्ट बरसात खड़िया तो हूँ भी मसला उत्थे का उत्थे ही है कहना मतलब ना तो वो सफाई हुई है तो दूजा जो ट्रीटमेंट प्लांट देखो कई साल हो गए वो अजे तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। जे करिए मैं गल करते हैं आप भी 82 लाख रुपया होर लगता जी शायद 82 लाख होर लाने की लड़ भी ना हो जो ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होंदा तो वह पानी पा अगे भेज सकते हैं। मैं रोकना इतने जी गल कल प्रधान जी एक इंटरव्यू की उन्होंने कहा भी साढ़े तार खेत्र नहीं है ट्रीटमेंट प्लांट का जरा सू कोई पावर है नहीं पावर नहीं देखो पेमेंट वो जो भी खर्च जिन्ना भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो जी भी पेमेंट आता कमेटी ने की मतलब बखरी भी सीवरेज बोर्ड ने गांव के थ्रू काम हो रहा। मैं तो कहा उन्होंने कोई नोट्स तो कटे होंगे कोई काम का टाइम आने तो होंगे भी इन्ने टाइम काम कंप्लीट होना जो नहीं होना तो कोई जुर्माना होना चाहिए उन्होंने असी पुछ तो सकते हैं उन्होंने भी क्यों नहीं किया है जे पुछ मतलब जो काम नहीं किया तो ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं हुई कंपनी जी भी ठीक कहता है। हम वही गल ये आप जी सब तो वही गल करते हैं मैं तो यही कहा भी जे तुम कोई नोटिस भेजा कहते जी भेजे नोट्स मैं पिछले 3-4 महीने कट के दिखाओ जो नोट्स भेजे सब पता लगे कि हम काम रुकया हो चलता पाया नहीं काम उस तरीके दो ठेकेदार को काम एक ठेकेदार तो मैं सुनया कहते भी शायद भज गया तो मीटिंग हैगी शायद 27 या 28 तारीख की मीटिंग है उन्होंने फिर बुला थोड़ी कोई उन्होंने वार्तालाप होगी मीटिंग हुई है उन्होंने 27 तारीख में SDM साहब तो असी सारे इकट्ठे होकर गल होंगे तो पिछली बार गलबात तो चलती रही है उ ला रहे हैं और कुछ नहीं है साहब पुछूंगे उन्होंने नहीं बनती कार्रवाई जो ब्लैकलिस्ट अज शहर वासी का यह कहना जो कोई हल नहीं होंगे तो असं सीवरेज बोर्ड अगर धरना लावे देखो शहर की समस्या ना मैं शहर जो कुछ प्रॉब्लम होगी मैं शहर के लोगों खड़ा शहर के लोगों ने सू चुने ही तो है असं उन्हें जी समस्या मान लो उन्होंने समस्या नहीं साड़ी समस्या मान लो मैं गल करा जो गल करा अच्छ गल सवाल तो खड़े उड़ते हैं जी असं आप जाते रहे पिछले साल असं आप धरने लाते रहे हैं जी अज आया नहीं अच्छ बुलाए भी तो आए ने मैं तो आप गल की भी आओ तो देखो गल ये बनती है भी प्रॉब्लम असल खड़ी है ज खड़ी की जा रही है। मैं तो यह भी कहा भी शाबाशी जोड़ा मर्जी लै लियो यही नहीं होगा भी कलू कहूँ भी आम आदमी पार्टी के आने वाले समस्या दस लोगे सारे रल मिल के रल के काम करना समस्या दस लोग सारे रल के काम करिए शहर वासियों लेकर क्यों शहर वाले ने सबू चाहे मैं अपनी गल कर लवा चाहे प्रधान जी उन्होंने गल हो चाहे जिंद मर्जी गल कर लवा असी बड़े हाँ असी अगे हाँ असी नुमाइंदगी कर रहे हैं सारे रल के जे उन्होंने सानू मौका दिता तो मैं फिर यही बेनती करूंगा भी ये जी समस्या सारे रल के असी हल छेतों छेती करिए बस नहीं ट्रीटमेंट प्लान अपने हाथ से नहीं कोई कर सकते अपने अपने बेस से ही नहीं जो समस्या हूँ जिम्मे मैं तुम दसिया मीटिंग होनी है वो जो जो भी हल होगा उस हिसाब करूंगे नहीं बुला के जो भी उन्होंने हैगी कार्रवाई की जाऊगी कि पैसा वजह रुकया है पैसा वालों रुकया इन्हें लैकी करके रुकया है पैसे पूसे नहीं पैसे तो दिते हुए साढ़े ट्रीटमेंट चले ही नहीं है प्लान चले नहीं है ज्यादा कहो भी जिदा यदा सही तरीके मतलब आप हैंडल नहीं किया इस प्रॉब्लम जो आई है जो पिछले सब टाइम सही तरीके बार बार एक जिम्मे दस देने भी एक जो हुआ दो जन तो हटका लाल पॉइंट ने एक
ठेकेदार भज भी गया मतलब छे गया अमृत साहब जी आप गल करिए जी अपनी सरकार की प्रक्रिया जी ऑनलाइन टेंडर होंगे ने बहरले बंदे लै जाते हैं कुछ इदा का हाल तुम सीएम साहब तक मंग लैके जाओ भी जो टेंडर ने लोकल बंद देखो हैरान होने लड़ो सू पता यह ना देखा जाए गए वास्ते जरूर बहुत वधिया सवाल है थोड़ा टेंडर लै जाता कोई पर सू हैरान करता जो कोई लोकल बंदा हो जिदा सूँ पता हो भी ठेकेदार बहुत वधिया टाइम सिर काम करता जो कोई मतलब किसी टेंडर करोड़ों का टेंडर आ जो 10 लाख सस्ता लै भी जाता जो असं हैरान होंगे बाद फायदा की है इस तरह की प्रक्रिया चाहिए है सारे सहमति लोकल बंदा जो वधिया बंदा वधिया ठेकेदार टेंडर देना बनता मैं जरूर करूँ जरूर गल नहीं बनती है तुम यही देखो हैरानगी जो टुबे वाला इसे लोकल बंदा तैयार किया पहला तो पहला टुबी सफाई पहला कोई मानता नहीं है पहला मिन्नत करके कोई बंद कह भरा चल कोई गल नहीं सेवा मान के कर दे काम होना जरूरी है बंदा तैयार हो उस दिन जो टेंडर खत्म होना 5 मिनट पहला मैं तो जब भी कहा भी मैं शक आ वही है जो 5 मिनट पहला टेंडर पा लगे भी यह काम नहीं होना है कंप्लीट वो सच निकल गया वो मुड़ के लभे ही नहीं है जी जे कहिए हूँ टेंडर होगा हूँ जिम्मे जून जुलाई से मैं पहला महीना करता टोबी सफाई लिए सब तो सही टाइम से हूँ जुलाई से की होना मतलब मई जून की गल करिए जुलाई से तो बरसात शुरू हो जाए रीटेंडर नहीं हो सकता सर कहते जी उन्होंने 6 महीने दते ने असं काम करने वास्ते 6 महीने काम होना शहर वासियों की आश्वासन देना चाहते हो देखो आता तुम पता लगता है भी बहुत आसा ने बहुत ज़्यादा उन्होंने साढ़े आस रखी है ही कबड्डी जित इतिहास जित के पासा पलट के रखता तो ये जो समस्या ने साड़िया सारिया दियाँ समस्यावान ने हल हो गए होगा मैं अच्छ बुलाए भी तो कम से कम शहर वासियों को पता लगे प्रॉब्लम की आ कितने खड़ी आ कि किन्ना जिम्मेवार क्योंकि हरेक बंदा कहता भी हाँ सरकार आई है भी पता नहीं आम आदमी पार्टी करके हाँ दूजे पासे गल दूजे डर लगे रहा भी कितने जे हो गया छेती कितने ना हो भी आम आदमी की सरकार आ गई भी तो छेती काम हो गया मैं कहा भरा वो डरन की लड़ नहीं थोड़ा ही काम सारा रल के करना पार्टियां गई हम 5 साल बाद देखोगे हूँ सारे पाइक सारे ने वोटा पाई सारे मेरे वीर भरा ने रल के शहर लई जे पर मौका दिता आप वधिया कर आही गल मीटिंग रूटीन की हाउस की मीटिंग होंगी है जिहड़े वख वख मसले से शहर के साड़ी कमेटी के जां कुछ रिपोर्टा साडे तो मंगियां गईयां सी वो सारियां अज देण दा साडा इरादा सी और इस मीटिंग च जो शहर के मसले ने जो साडे सरकार योग एम सी साहिबान अपने अपने वार्डां दे लेखां उत्ते चर्चा हुई कुछ कु शहर के जिहड़े वसनीक ने जिन्हां नूं तकलीफां सी तंगी सी दिक्कतां सी वह भी आए सी और वो एम सी साहबाना के राही पहले ही मेरे तक पहुँच चुकी सी अस उन्होंने काम कर रहे हैं पर अज की मीटिंग च कुछ क शरारती अंसर ने जोड़ा साढ़े हाउस का माहौल है वो खराब करने की कोशिश की है और एम एल ए साहब ने साढ़े सारे हाउस के जोड़े सत्कारयोग एम सी ने उन्होंने भी और असी सारे ने बड़े सुचजे ढंग नाल एक कोशिश की है भी माहौल ना खराब होवे जिहड़ी लोगों की समस्यावां ने एक एक करके सुन के माड़ी मोटी चलो तलखी जरूर हुई है बट वो कोई एड्डी खास नहीं सी किसी के विरुद्ध नहीं बोलिया गया इस गल का मैं सारा धन्यवाद भी करता और ये जिहड़े साडे शहर के लोग ने जिन्हां नूं प्रॉब्लम तकलीफां हैगियां ने उन्होंने मैं आश्वासन दिंदा ये साडे नॉलेज हैगियां ने असी इन्हां ते काम कर रहे हैं जिथे कितें सानूं सरकार की मदद की लोड़ पैंदी है असी थ्रू प्रॉपर चैनल सरकार तक अपनी गल पहुँचाने भी हैं और सरकार तो मदद लए बिना इस कमेटी का हल जिहड़ा है वो नहीं होंदा ते आपां गल करिए ट्रीटमेंट प्लान की जिहड़ा अज रौला पिया जिहड़ा काम रुकिया पिया ठेकेदार नूं नोटिस नहीं कढे गए तुसीं कहे हो कढे गए ने इलैक्ट्री कोई आया नहीं सामने की हैगा जी सारा देखो सारा मामला यह है जी जिहड़े अपने सरकार बनियां झाड़ू ये सारे जिहड़े सरकार दे नुमाइंदे बने ने ऐतकी जिहनां नूं मौका मिलिया वो पूरे पंजाब च मजोरिटी बंदे पहली बार बने जिन्हां ने कदे पहलां इलैक्शन नहीं लड़िया जिन्हां ने जिन्हां नूं तजर्बा नहीं सरकारी प्रोसैस का टेंडरिंग प्रोसैस का नोटिस किमें निकलते हैं किमें ओवरसीज होंगे ने किमें बजट अलॉट होंगे
ਕਿਵੇਂ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ। ਗਲਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਾਬੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਚਾਬੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਚਮਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਚਿੱਠੀ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਜਦ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੋਬੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਅਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਬਜਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਮ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਉੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਲੋਕ ਇੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੈਟਮਿਕਸ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਇੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲੈਵਲ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਜੋਰਟੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਸਟੀਮੇਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਲੋਕ ਇੱਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ 100 ਫੁੱਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਹੋਊ, ਕਿਤੇ 5 ਹੋਊ, ਹੱਦ ਦੀ ਕਿਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਹੋਊ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
काम खत्म होने तो बाद भी फर्क नहीं होता, उसकी ड्यूटी बनती है भी जाके वो ठीक करके आवे जो कमी पेशी रह गई वो असं पैसे रखते हैं अपने को कंप्लीट पेमेंट नहीं करते, कंप्लीट पेमेंट होंगी जाके साल सवा साल बाद जो उसकी कोई कमी पेशी होंगी है उन्होंने कहना है भी जाके दूर करो, जे नहीं की तो इनकुआरी होगी, जे इनकुआरी चो गलत पाया जाता है तो उसके जुर्माना लगेगा।